Namaskar. After this video, my life will be in danger. I don't know whether I'll be alive or dead. But if I'm dead, then these are the people who will be responsible for it. आज हम विदेशी मुल्कों के भारत के खिलाफ भारत के लोगों के साथ मुलाकात कर बनाए गए देश विरोधी रिश्तों का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम इनको द एंड करते हुए एक्सपोज करेंगे किस तरह से ये लोग चंद पैसों के लिए कटोरा गैंग बन जाते हैं। इस पर खुलकर बात करेंगे क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए राष्ट्रवाद ही सर्वप्रथम है। ऐसे में हम सड़क छाप इन लोगों को सड़क पर तो बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में अंधेर गर्दी मचाए इन नकाब पोशों का नकाब उतारना बहुत जरूरी है। वायर 5:23 PM फर्स्ट विद द न्यूज मिनट 5:34 PM फर्स्ट विद न्यूज लॉन्ड्री 7:22 PM फर्स्ट विद। जिस तरह से एक व्यक्ति ने इन लोगों की सारी सच्चाई खोल कर रख दी और उसके बाद जिस तरह से इस मोमबत्ती गैंग ने उसे अपना निशाना बनाया और दुर्भाग्य से डिजिटली जीत लिया, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए बिग एक्सपोज के नाम से दिन भर ट्रेंड करते रहे स्ट्रिंग रिवील के साथ हम खड़े हैं। टूल किट हो या दिमाग में बसी फूल किट, सबको फिट करना हर देशवासी का काम है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम है कावेंद्र चौहान। सुबह की सबसे पहली और बड़ी खबर देखी जिस पर किसी ने बात नहीं, वो खबर थी स्टिंग नाम के एक यूट्यूब चैनल ने देश के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय साजिश की कलई खोलकर रखी, सबके सामने इन देश के गद्दारों को नंगा कर दिया। समय और साजिश का जो खोल इन लोगों ने तैयार किया था उसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद एंटी नेशनल गैंग के इस गांव में जहां खलबली मच गई और अपनी ताकत दिखाते हुए इस गैंग ने अंदर खाने बात की जो कुछ ऐसी रही होगी। सुनो बिल्लू, हमारा भंडा फूट चुका, अब समय है सभी देश विरोधी शक्तियों को एक साथ आ जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा। यू वीडियो वायरल होने के बाद चंद घंटों के भीतर ही YouTube से भी हटा दी गई, जिसके बाद मशहूर RJ रौनक ने भी कह दिया हद है। इसके साथ ही आज हम भी कहते हैं हद है, क्योंकि अब जब उस वीडियो को हम ढूंढने निकलते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायोलेशन कर दिया गया। इस देश विरोधी गैंग के IQ से भी कम IQ का इस्तेमाल कर ये जाना जा सकता है कि इन सभी देश विरोधी एलिमेंट ने एक साथ घबराहट में एक डरा हुआ चूजा सा मुंह बनाकर एक साथ YouTube पर इस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने का क्या मतलब, एक्सपोज किया था, जवाब दे सकते थे तो वहीं देते। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से बाहर एक साथ आए ग्रेटा रेहाना सरीके डिजिटल आक्रमणकारी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनको यह भी नहीं पता होगा कि हल कैसे चलाते हैं, इनको यह भी नहीं पता होगा कि ज्वार की फसल कैसे कहते हैं, इनको यह भी नहीं पता होगा कि आलू कैसे बोते हैं, तो क्यों ये हमारे देश के आंतरिक मामलों पर पैसा लेकर बोलते हैं, इस पर कार्रवाई कब होगी, ये क्यों नहीं कू क्लैक्स क्लैन पर बोलते हैं, ये क्यों नहीं ब्लैक एट्रोसिटीज पर बोलते हैं, तब कौन से बिल में जाकर ये छिप जाते हैं। ग्रेटा की टूलकिट ने सब साफ कर दिया है कि कैसे ये लंपट लोग, ये पाकिस्तान के भुखमरान खान और चीनी वायरस फैलाने वाले देश हमारे देश के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं। ये सब फुस्सी बम, सब फुस होंगे, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं एक विचार है, 5,000 साल पुरानी संस्कृति है। इसको मिटाने की कोशिश तो बहुतों ने की लेकिन हमेशा सबने मुंह की खाई। देशवासियों, पहले द स्ट्रिंग है क्या, ये विस्तार से आप समझिए क्या था द स्ट्रिंग के इस वीडियो में। साकेत गोखले, बरखा दत्त, मोहम्मद जुबैर, ध्रुव राठी, मीडिया हाउसेस लाइक ऑल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, स्क्रॉल, क्विंट, कैरावन इंडिया, न्यूज मिनट, इंडिया स्पेंड, आउटलुक इंडिया, पारे नेटवर्क एंड द कांग्रेस पार्टी। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे यूट्यूब चैनल द स्ट्रिंग के इस एपिसोड का नाम अरेस्ट राठी, जुबैर, बरखा, ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज था। एपिसोड की शुरुआत में स्ट्रिंग ने ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई टूल किट और उसके समय यानी 3 फरवरी शाम 5:19 PM पर दिखाया है। इसके बाद स्ट्रिंग ने बताया कि कैसे वामपंथी मीडिया गिरोह के द कारवा, स्क्रॉल, परी नेटवर्क, द वायर, द न्यूज मिनट, ऑल्ट न्यूज समेत कई ऑनलाइन पोर्टल इस पर 1 या 2 फरवरी को ही ट्वीट कर चुके थे। उन्होंने कहा कि यह इस बात का पहला सबूत है कि ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट शेयर होने से पहले ही इन लोगों के पास सिर्फ मौजूद ही नहीं थी बल्कि ये लोग इसके जरिए चंदा भी जुटाना चाहते थे। वीडियो में द स्ट्रिंग ने टूल किट की टाइमलाइन के बारे में आगे बताया कि किसानों के समर्थन में टूल किट शेयर करने के आग्रह से कहीं पहले भारत को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश रची जा चुकी थी। स्ट्रिंग ने सबसे पहले डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन की प्रेस रिलीज का जिक्र किया
जो अक्टूबर 27, 2020 की है। यानी कथित किसान आंदोलन से कई माह पहले से ही इसे लेकर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। द स्ट्रिंग के अनुसार डिजीपब के साथ जो नाम जुड़े हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं ग्रेटा थनबर्ग द्वारा गलती से लीक इस टूल किट से भी जुड़े मिलते हैं। मजहबी फैक्ट चेकर आर्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और बरखा दत्त के नाम ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट में थे। इन नामों में से अधिकतर अक्सर ही सरकार विरोध में प्रपंच करते नजर आते हैं। 12 मिनट के इस वीडियो में द स्ट्रिंग ने खुलासा किया कि मजहबी फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से प्रमाणित है, जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थित है। बदले में पॉइंटर इंस्टीट्यूट को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा फंड किया जाता है, जिसे जॉर्ज सोरोस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और फंड किया जाता है। जॉर्ज सोरोस के अलावा पॉइंटर इंस्टीट्यूट को फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भी फंड किया जाता है। हमारा ये मानना है कि इस तरह से हड़बड़ाहट में वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो हर किसी ने देखकर फॉरवर्ड भी कर दिया है, लेकिन उस फॉरवर्ड के साथ साथ ये भी फॉरवर्ड हो गया है कि इस खुलासे की जद में आने वाले लोगों की किस तरह से सांसें अटक गई थी। दिमाग पंचर हो गया था और मन साइलेंट मोड में भी वाइब्रेट हो रहा था। और देशवासियों, ये सब हमारी ताकत का नतीजा है, जो इन जैसे देश विरोधियों को हमेशा एक्सपोज कर देता है। खैर, आंदोलन करने वालों को आंदोलनकारी ही कहते हैं। आंदोलन की आड़ में जीविका चलाने वाले को आंदोलन जीवी, देश के प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा था। तो ऐसे आंदोलन जीवियों को क्लियर कट एडवाइस है, जीविका चलाइए, लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं करेगा भारत। कल फिर मिलूंगा ठीक रात 9 बजे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद।